अरे हो उल्टी नहीं ना यार पटकन राइट में बैलेंस ना चला जाए। आराम से आराम से आराम से उठा मैडम म्हणतात भर पावसात घाम निघणं इधर तो पूरा ही वाटोळा आहे। तो उस पॉइंट के बाद इट वॉज अराउंड 30 to 40 minutes मोर, लेकिन इट वॉज नथिंग लाइक द फर्स्ट पार्ट जो पहले जो आपने देखा वीडियो में, दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। उसके बाद इट वॉज लाइक अ केक वॉक, मतलब दो तीन जगह पे तो आई थिंक मैंने सेकेंड गियर भी डाला। इतना अच्छा रोड था कि सेकेंड गियर भी डाला। बाय द वे आफ्टर डूइंग दैट सॉर्ट ऑफ एन हार्डशिप, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे पूरा गाँव है और इन लोग को आने के लिए यही रास्ता है। सो वॉट दे प्रेफर इज, वो लोग कहीं से भी आते हैं ना तो लोनावला जाते हैं, लोनावला से ट्रेन में चढ़ते हैं और ट्रेन यहाँ पे रुकती है ब्रेक्स चेक करने के लिए, तो यहाँ पे उतर जाते हैं। दैट्स देयर लाइफ, ये यही सोर्स है उनको आने का जाने का। बाय द वे थैंक्स टू शिवम, क्योंकि अगेन इट इज़ बीन प्रूवन कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ऐसा सोचते हो कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, आप गिव अप करना चाहिए, वो आपका लास्ट हर्डल होता है। जहाँ पे मैं बोल रहा था कि बस अभी ये मुझे नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए, ही सेड कि भाई एक चढ़ान चढ़ते हैं फिर आगे देखेंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं था, आसानी से पहुंच गए यहाँ तक। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। अरे कॉन्टैक्ट किलर से नया बंदा है आज। हाँ यार इंट्रोड्यूस नहीं हुआ ना, मिसेस शिवम सिंह। हड्डी कट्टी मोटी था जी। हाँ नहीं आगे से ही चढ़े थे ना। हाँ ये चलो अभी यहाँ से अपना ट्रैक चालू होता है। ट्रैक मतलब बेसिकली ट्रैक कुछ नहीं है, अभी सिर्फ यहाँ से वो रेलवे लाइन तक ट्रैक, उसके बाद फिर ट्रैक। ट्रैक में से चलना है अपने को ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर अपने एंड पॉइंट तक। अरे हाँ यहाँ से ट्रैक खत्म ट्रैक चालू, और ये इतने से ट्रैक में निधि की हालत। एक्चुअली सबकी हालत, बिकॉज ट्रैक की आदत किसी को नहीं रही है। अभी ये ट्रैक में से चलते हुए वी हैव टू वॉक ऑल द वे, ये पूरा पहाड़ ऐसे, और वहाँ जाके है ना बड़ा टनल है, मतलब चार टोटल टनल्स क्रॉस करने, चार या पांच। लास्ट टनल इज द बिगेस्ट वन, जो अपने को ये पहाड़ के उस पार लेके जाएगा, और वहाँ पे अपना डेस्टिनेशन है आज का। सो इट्स ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स, शुड टेक 45 to 50 minutes। पाँच में से पहला टनल, और पहले ही टनल में हमें दीवार से चिपकना पड़ रहा है। सामने से आ गई ट्रेन। जस्ट आफ्टर फर्स्ट टनल, यहाँ से ये ट्रैक वाला रूट है नागनाथ मंदिर का। सो लास्ट टाइम जब मैंने बोला ना कि लास्ट ईयर हम आए थे तो ये मंदिर पे गए थे हम लोग, बट ये टनल हमने क्रॉस किया, फिर पता चला कि हम गलत है, फिर वापस आए, फिर पता चला कि यहाँ से रास्ता है, बिकॉज वो बोर्ड हमने उस टाइम पे मिस कर दिया था। अभी तो काफ़ी क्लीन करके रखा हुआ है, दिख रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टनल्स, सेकेंड लार्जेस्ट हमारे रूट में, जो लास्ट वाला क्रॉस करना है वो सबसे बड़ा है। बट इसमें टनल के अंदर ऐसे जगह जगह पे साइड में क्या बोलते हैं उसको, स्लॉट्स, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बना के रखा है, अगर ट्रेन आती है तो वहाँ घुस के आप रुक सकते हो, बट फिर भी अराउंड 100 मीटर में एक है, तो अगर इस टाइम पे ट्रेन आती है तो मुझे पीछे जाके रुकना पड़ेगा, आगे वाले में मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी अलर्ट, ट्रेन का सामने से अगर आपको ज़रा सी भी भनक लगती है कि ट्रेन आ रही है, वी हैव टू टेक अ कॉल, आपको आगे दौड़ना है या पीछे जाना है, विच एवर द नियरेस्ट यू शुड गो देयर। सी आफ्टर द सेकेंड टनल यू कैन सी वहाँ पे ऊपर वो है नागनाथ मंदिर, जो पीछे से ट्रैक रूट दिखाया था मैंने, वहाँ पे मंदिर है। सो वहाँ पे गए थे हम। लुक एट दिस
सच ए ब्यूटीफुल वैली। देन ये टनल में से बाहर, ये टनल में अंदर, एक खत्म दूसरा चालू। आफ्टर द थर्ड टनल इट्स अ लॉन्ग वॉक, वहाँ से टनल खत्म हुआ है, आगे टनल दिख नहीं रहा है और अब ऐसा लग रहा है टनल था वही अच्छा था बिकॉज अभी धूप है पसीना पसीना हो रहा है, टनल अच्छा है बट आई नो और एक या दो टनल क्रॉस करने हैं अपने को, सो लेट्स कीप वॉकिंग। किती म्हणजे किती नालायक असेल हा पाऊस, एवढा वेळ उन्हात न चाललो आता समोर टनेल आला पाऊस आला। हॅलो म्हणजे ठरवून यांची वाटत लावायची किनारी चालू साईड किया। होपफुली, जस्ट होपफुली वी हैव रीच्ड। ये लास्ट वाला टनल वॉज एज एक्सपेक्टेड द लॉन्गेस्ट, मतलब कम से कम पिछले 20 मिनट से, कितने बजे अभी 10:45 वी एंटर्ड दिस टनल, मतलब 25 मिनट एक टनल में चल रहे हैं हम। एंड देन आई कैन सी द ब्रिज ओवर हियर, सो अगले कुछ ही पलों में मैं आपको दिखा दूंगा कि इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और सब ने जो लिखा हुआ है अनसीन अनएक्सप्लोर्ड हिडन, हाँ, वो जगह कौन सी है। सो जिस प्लेस के लिए इतना चल के आए इज फाइनली हियर। अभी जब मैं कैमरा घुमाऊंगा आपको पता चलेगा कि आपने इंस्टाग्राम पे एक तो रील कम से कम इसकी देखी ही होगी। दिस वाटरफॉल, उसके पीछे बैठने की जगह, एंड देन दिस रेलवे ब्रिज जिसके ऊपर से ऐसे ट्रेन आती है, पीछे वाटरफॉल गिर रहा है और यहाँ से ड्रोन शॉट्स, ये वो सिनेमैटिक, हर कोई यहाँ पे आके वीडियोस बना रहा है। एंड हिडन By the way, this over here is Khopoli City, Puri. अच्छी खासी जगह है यहाँ चलने के लिए ब्रिज पे, सो नॉट एन इश्यू, मतलब ट्रेन आती भी है तो सेफ प्लेस है यहाँ पे। By the way, before I shoot anything over here, बता दूँ this is not at all a place जहाँ पे आप casually मस्ती कर सकते हो, कुछ भी कैसे भी videos बना सकते हो, because I'll just show you. अभी मैं ट्रैक पे खड़ा हूँ एंड लुक एट दीज गैप्स, डायरेक्टली नीचे खाई में, मतलब इसमें मैं पूरा घुस जाऊँगा देखो आसानी से। सो अगर आप यहाँ पे कुछ मस्ती कर रहे हो, आप अलर्ट नहीं हो, ट्रेन आ गई और आप जल्दबाजी में इसमें अटक गए ना, तो देर इज नो वे यू कैन रिलीव योर सेल्फ एंड गो आउट, मतलब एक्सीडेंट ही होना है फिर उसमें। सो बी सेफ, कोई भी मस्ती मत करो यहाँ पे। और ये देखो एक साइड में तो रेलिंग भी नहीं है इसको, मतलब सीधा नीचे ही जाना है आपको कूदना है तो मस्ती वाली जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बीन ऑलमोस्ट 1 आवर, एक घंटा हम यहाँ पे है, इट्स 11:15 राइट नाउ, तो अभी निकल रहे वापस, बहुत सारे शॉट्स लिए, वी गॉट टू ट्रेन्स, दो ट्रेन्स सामने से आई, उनके दोनों के अच्छे अच्छे शॉट्स मिले,
शॉर्ट्स व्लॉग में ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे रील्स में आपको दो तीन शायद रील्स डालूंगा मैं, तो उसमें आपको देखने मिलेंगे जो ट्रेन्स के एक्चुअल शॉट लिए हैं। सो बेसिकली ये ब्रिज पर से जब सामने से ट्रेन आती है एंड व्हेन यू आर सिटिंग ओवर देयर विद द वाटरफॉल, या फिर यहाँ से चल रहे हो ऐसे, मतलब आपने तो एक दो शॉट्स तो यहाँ पे भी देखे होंगे। अच्छा स्पॉट है, क्रिएटिविटी में स्कोप बहुत है। व्हाट आई विल डू इज़, मैंने तो अभी अपने पास ड्रोन नहीं है, 360 नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फ़ोन में जो भी लेना था शॉट्स लिए है। बट व्हाट आई विल डू इज़, इसके स्पॉट के जो रील्स वायरल हुए हैं ना, उसमें से कुछ रील्स के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट जो ओरिजिनल ओनर्स है, जिन्होंने वो जो क्रिएटर्स है जिन्होंने वो रील्स बनाए, उनको भी क्रेडिट मिले, उनको भी व्यूज़ मिले। आप डिस्क्रिप्शन में से वो लिंक्स क्लिक करो, जाके इंस्टाग्राम पे वो रील्स देखो। सीरियस क्रिएशंस, मतलब बहुत अच्छे अच्छे रील्स यहाँ पे बनाए लोगों ने। बट द ओनली थिंग दैट वॉज देयर कि सब लोग ये लिख रहे थे कि ये हिडन स्पॉट है, हिडन स्पॉट है, किसी को पता नहीं है, हिडन ट्रेजर ऑफ सह्याद्री। सो दैट्स वेयर आई एम कमिंग इन। करजत से आप केड़ौली साइड से यहाँ पे आ सकते हो, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर वॉक करके, 5 टनल्स क्रॉस करके, या फिर मंकी हिल साइड से आप आ सकते हो, इधर से कितने टनल से पता नहीं है लेकिन वॉक उतना ही होगा क्योंकि वहाँ पे मंकी हिल स्टेशन है, या फिर खोपोली से ये वाटरफॉल में से ट्रैक करके भी आ सकते हो। सो हाउएवर यू आर कमिंग, दिस इज़ द प्लेस। अभी हमें ये 2.5 किलोमीटर 5 टनल्स वापस चल के जाना है, एंड देन जो आपने ऑफ रोड देखा है वो वापस उतरना भी है। एग्जैक्ट 1 घंटा, 9:10 पे यहाँ से स्टार्ट किया था, 10:15 को हम वहाँ पहुँचे, 10:15 से 11:15 तक वहाँ पे थे, 11:15 को स्टार्ट किया, अभी बज रहे 12:10, विद इन 5 मिनट्स विल बी हियर, गांव आ गया है। सो मतलब वापस 1 घंटे में गांव में। प्लान ये है कि 1 बजे से पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब अभी वो भजिया बनाने के बोला था वो खाएंगे, एक बजे से पहले स्टार्ट करना है, सो दैट 2 या 2.5 बजे तक करजत पहुंच जाएंगे। वी आर जस्ट व्हाट 20-25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम करजत। हाफ द पार्ट इज़ डन। बेसिकली वो गांव में पहुंचने के बाद खाना खाया, भजिया तो नहीं थी एक्चुअली, काकी बोली कि भजिया बनाने के लिए वो बेसन नहीं था उनके पास, तो उन्होंने आलू की सब्ज़ी और चपाती बना के रखी थी हमारे लिए। अच्छी खासी रोटी सब्जी खा के वहाँ से निकल के आधा रास्ता आ गए, अभी आधा रास्ता आके मैं रुका हूँ शिवम के लिए, शिवम थोड़ा पीछे फ़ोटो लेने रुका था, अभी जैसे ही वो आता है यहाँ से आगे शुरू होगी असली मेहनत। मतलब जो शुरुआत में जो चढ़ के आए थे ना, पूरा पूरा खटारा से भी बदतर ऑफ रोड, मतलब इसने तो लद्दाख की याद नहीं दिला दी, लद्दाख को भुला दिया ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, लद्दाख में ऐसा है बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको ख़राब रास्ते पर चलना होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलना है लेकिन इतना ख़राब है, और अभी उसमें से नीचे उतरना है। बाय द वे द गुड न्यूज़ इज़ शिवम के पास पावर बैंक था, तो अभी मैंने टॉप बॉक्स में पावर बैंक पे गोप्रो चार्जिंग पे लगा के रखा हुआ है, तो अभी यहाँ से आगे निकलते वक्त मैं उसको हेलमेट पे लगा दूंगा। सो यहाँ पे जो भी हो रहा है ना वो आपको देखने मिलेगा, भी मिलते बाइक पे। और ये आई पहली चुनौती, नहीं हाँ यही है। नाउ दिस इज़ द लास्ट वन। यहाँ पे ज़रा ज़्यादा ही बीच में खड्डा हुआ है, तो आई टोल्ड शिवम कि वहाँ पे रुक जाए, अगर लेफ्ट साइड में बैलेंस जाता है तो पकड़ ले, क्योंकि यहाँ से अपने को क्रॉस करनी है बाइक। ठीक है, अभी तक तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से एक बार क्रॉस हो गई ना नहीं, अभी तो ठीक है, फिलहाल बैलेंस सही है। बस निकल गया इधर। इतना भी वीडियो नहीं चाहिए अपने को। चलो परीक्षा पास झालो। एनीवेज अभी तो फिर से ABS ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ से आगे कोई टेंशन नहीं है, ऑलमोस्ट अभी 2 मिनट में ये ऑफ रोड ख़त्म हो जाएगा, और फिर से अपना
कर्जत खोपोली एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड। वेल, यही थी आज की कहानी, आज का सफ़र। अभी वापस घर पहुंचना है, सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए ये वीडियो और लंबा चौड़ा खींचने में कोई मतलब नहीं है। सो लेट्स एंड द व्लॉग ओवर हियर। डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक्स ऑफ इंस्टाग्राम रील्स विच आई पोस्टेड फॉर दैट प्लेस। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक्स मिलेंगे, वायरल जो वीडियोज़ हुए उनके, वो ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कैसे लग रहे वो रील्स। रील्स पे भी कमेंट करो उनके, और अपने वीडियो पे भी कमेंट करो। हाँ, फिर कभी ऐसे ही घूमने निकलेंगे तो फिर से आपसे मुलाकात हो ही जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।